मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि मुझे चेंज से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि जब आप अपने आप को एक दो साल बाद भी देखो ना, तो आप वैसे के वैसे ही। उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एंड अगर आपको अभी भी ये लग रहा है ना कि मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा बदलाव लाना है, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, एंड उससे मुझे बहुत अच्छा डिफरेंस दिखा है। आप भी उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले टिप जो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके फॉलो करती हूँ वो है स्टार्ट लर्निंग दोज क्वालिटीज डैट यू लव इन अदर्स। आपको मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ जो आप आराम से फॉलो कर सकते हो। वो है कि अगर मान लो आप एक ग्रुप में बैठे हो एंड एक लड़की की बोलने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपने उसको बोला नहीं लेकिन मन में सोचा कि इस लड़की के बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो क्वालिटी उससे ले लो। आपको छीनना नहीं है, आपको खुद वो क्वालिटी आपने पहचान ली, आप उस क्वालिटी को पसंद कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप में वो कमी है, तो अपनी रिसर्च करके उस क्वालिटी पे काम करो। ऐसे ही आपको बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ दिखेगी लोगों में, जैसे किसी को मजाक करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है एंड लोग बहुत जल्दी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसी उस क्वालिटी को अगर आपको पसंद आ रही है ना तो वो क्वालिटी भी उससे ली, मतलब अपनी रिसर्च करके वो क्वालिटी अपने ऊपर लाओ, अपने पे काम करके। नेक्स्ट स्टेप मैंने बहुत पहले फॉलो करना चालू किया था एंड अब मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, वो है स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन। अकेले टाइम स्पेंड करना चालू करो, इससे दो चीज़ होगी। पहली, जो आप में अच्छी बात है वो तो आपको पता चलेगी, लेकिन जो अच्छी बात नहीं है वो भी आपको पता चलेगी, एंड आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मेरे को वो जो मेरी बात मेरे में जो अच्छी बात नहीं है मेरे को उसको बदलना है। जब मैंने अकेले टाइम स्पेंड करना चालू किया ना, तो मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें पता चली जो मुझे लगता है मेरे में अच्छी बातें हैं, एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चली जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक थी एंड मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। जैसे अभी आप देख सकते हो कि मैं बहुत अच्छे से बात कर रही, कम्युनिकेशन कर रही, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी एंड मैंने टाइम टू टाइम इस पर काम किया। तो अकेले रह के आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये टिप आपने बहुत कम लोगों से सुनी होगी, लेकिन मैंने जब इसको फॉलो करना चालू किया ना, मैंने अपने आप पे ड्रास्टिक चेंज देखा। वो है आई चेंज माई यूट्यूब फीड। पहले मैं क्या देखती थी, ब्लॉग चैनल्स, सीरियल्स एंड जो भी मेरे फीड में आ जाता था सब देखती थी, लेकिन मैंने उसको शिफ्ट किया मोटिवेशनल वीडियो से एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो से, एंड बाप रे मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा अपने सिस्टम में, अपने सोचने के नज़रिए में। एंड ये बात तो एकदम सच है कि जैसी टाइप की आप वीडियोस देखते हो ना, वैसे आपके सिस्टम में फिट होता है एंड वैसे तरीके से आप सोचने लग जाते हो। तो जब मैंने इसको शिफ्ट किया ना, तो मैं हर दिन ऐसी टाइप की वीडियोस आती थी मेरे पास सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अब मेरे फीड में, तो मैं कुछ ना कुछ नया उस वीडियो के ज़रिए सीख ही रही, तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसको आप चेंज करना चालू करो, आप देखना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखोगे अगर आप सच में सीरियस हो। ये नेक्स्ट स्टेप मैं पहले फॉलो नहीं करती थी क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब बहुत मज़ा आता है। वो है पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आई नो आपने बहुत सारी लोगों से सीखा होगा कि रिस्क लेना चाहिए एंड अपने आप को यू नो कंफर्टेबल से बाहर निकलना चाहिए। मैं एकदम स्ट्रेट बात करती हूँ, पहले मुझे दुकान जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो मैंने इस चीज़ को अपने आप को चैलेंज किया कि भले ही मैं अकेले जाऊँ एक रबड़ लेके आऊँ, लेकिन लेके आऊँ। मुझे पहले कैफ़े जाने में भी डर लगता था, वो भी अकेले, तो मैं ऑर्डर क्या देती, लेकिन इस चीज़ में भी मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि अकेले जाऊँगी एंड अपना खुद का पार्सल ले के आऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने करना चालू किया, तो ये मेरे एडवांटेज में काम करने लग गई। एंड यू नो अब मुझे मज़ा आता है कि जब भी मुझे कोई चीज़ में झिझक या फिर डर लगता है, तो मैं वो चीज़ अब मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ। तो आपको भी मैं बोलूँगी कि आपको अगर कोई भी चीज़ में अगर लगता है ना कि नहीं 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 करना नहीं करना, उस चीज़ को तो सबसे पहले करो। नेक्स्ट टिप मेरी दी मोस्ट फेवरेट है एंड इस पर मैं और ज़्यादा रिसर्च करते रहती हूँ अभी भी, वो है मैनिफेस्टेशन। मैंने मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जिस जो मैंने स्किन के लिए भी मैनिफेस्ट किया था, अपने इस चैनल के लिए भी मैनिफेस्ट किया था एंड अभी मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैंने मैनिफेस्टेशन की प्लेलिस्ट बना दी है जिससे मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है एंड कुछ कुछ टिप्स भी शेयर किए जो मैं अभी भी फॉलो करते रहती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन, आप इसके बाद जाके देख लें। ये साल ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट एंड इट्स हाई टाइम कि आपको अपने आप पे कुछ काम करना चाहिए, कुछ चेंजेस लाना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो उसको भेजो, बहुत ज़्यादा काम आएगी उसके। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो अपना प्यार दे के जाना, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।